सलमा ने जो है इंस्टाग्राम पे अपने हस्बैंड के और बेटे के साथ जो है पिक्चर भी डाली हमें बताएं हम किसको सपोर्ट करें पूरी वीडियो का निचोड़ मैंने यहां पे निकाल दिया है उसका गुनाह जो है जो नुमाइश करता है उस पर जाता है ये गुनाह किया है सलमा ने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रहीम कैसे आप सब ठीक है उन्हीं खैर से होंगे मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह नौशीन मुल्तानी चैनल पे आप लोगों का वेलकम है सितारा यासिंग के बारे में बात करेंगे थैंक यू सो मच सितारा यासीन आप रात को हमारी लाइफ में थी लेकिन बहुत सैड थी रो रही थी मुसलसल रो रही थी और आंटी जी की वीडियो आई माँ जी की उन्होंने भी कुछ बातें जो है शेयर की बताई सलमा ने जो है इंस्टाग्राम पे अपने हस्बैंड के और बेटे के साथ जो है पिक्चर भी डाली आ, मक्का के पास खड़ी हैं मक्का वाले बिल्डिंग के पास हैं शायद तो मैं हैरान हूँ इस बहन पे माँ सदके जावे वाकई ही जो लोग कह रहे हैं ना कि आप जो है सलमा को सलमा के आंसू आपको क्यों नहीं नजर आ रहे आ, देखे मेरी बात सुने दुनिया आपने भी देखी है दुनिया हमने भी देखी है ठीक है आ, उनके जो आंसू हैं ना उनके वो पागलपन वाले आंसू हैं बात है या नहीं है बच्चों बच्चों आपके से भी गलती होती होगी आपसे खुद भी होती होगी ठीक है ना लेकिन हम तमाशा नहीं बनाते यूट्यूब हर इंसान को इस्तेमाल नहीं करना आता यूट्यूब हर एक को नहीं इस्तेमाल करना आता यूट्यूब पे जो ब्लॉगिंग होती है उसका तरीक़ाकार मुख्तसर बताना होता है मुख्तर लेके चलना होता है मिसाल के तौर अगर ज़्यादातर कंपेयर कर रहे हैं इस बात सलमा वाली बात को आ, कौसर और साजिद की शादी से भी मिला रहे हैं तो आप लोगों को मैं बात बताऊं कि उसने सितारा ने कभी भी आ, जो है साजिद के जाने के बाद ये नहीं कहा <coughs> कि वो अभी कौसर के साथ सोया होगा सुबह सो के उठ के आएगा तो फिर मुस्तफ़ा को ले जाएगा स्कूल देखे ना ये ये इस तरह की बातें नहीं की कभी उसने आ, जैसे ही वो जाते थे दरवाज़ा बंद करती थी ओके अल्लाह हाफिज़ तो वहाँ पे ही अपने ब्लॉग का एंड कर देती थी फजूल कोई बात नहीं करती थी बस यही कहती थी अच्छा जी मिलते हैं कल के आ, जो है ब्लॉग में तो बात यह है कि ये जो हरकत की गई है ये बहुत ही निहायत घटिया हरकत की गई है हम नहीं मानते मेरी दो तीन बहनें हैं शायद मैं कमेंट उनके यहाँ पे मैं शायद लगा दूँ मेरी बहनों ने कमेंट किए हैं और उन्होंने कहा है कि भाई हम ना बड़े डीपली गए हैं इस केस में वो इसलिए इस केस में डीपली गए हैं कि हमने जाके सलमा का और सितारा का ब्लॉग चेक किया देखा कंपेयर किया लेकिन हमें उसमें ऐसा कुछ नहीं नज़र आ रहा सितारा भी बिजी है काम कर रही है साथ साथ ब्लॉगिंग कर रही है दिखा रही है और हम उन्होंने शायद नोट किया होगा जाके देखा दुखा होगा तो उन्होंने कहा हमें जो कुछ नहीं मिला हमें यही लग रहा है सितारा यासीन पे ये इल्ज़ाम है देखें जी हम फरिश्ते नहीं हैं मैं वही बात करूंगी हम फरिश्ते नहीं हैं गलतियां है, इंसानों से ही होती हैं और फरिश्तों से नहीं होती बात यह है कि अगर कोई बात भी है ना तो सलमा का जो तरीका कार है यूट्यूब पे आके अपनी बहन को बदनाम करके हस्बैंड को बगल में डाल के मेरा कल का भी यही व्लॉग था कल भी मैंने यही कहा था क्या सलमा ने डिवोर्स ले ली है हस्बैंड से बहन के बारे में आके आप YouTube पे बहन को बदनाम कर रही हो इतना गंदा आपने किया उसको मुंह दिखाने लाइक अपनी तरफ से नहीं छोड़ा आपने आपने उसे खुदकुशी करने पे मजबूर किया मैडम आपने सितारा को बहुत गंदे वाला बदनाम किया यहां तक कि उसके उसको डिफेम भी किया आपने और उसका नुकसान भी ये वाला किया है कि उसके दो सब्सक्राइबर जो है कम हुए थे क्योंकि उससे कोई फर्क नहीं पड़ता मैंने फिर वही बात की दरिया में से एक गिलास अगर पानी का उठा लो तो दरिया को कोई फर्क नहीं पड़ता <coughs> या समंदर को तो आप जो है बहन को यूट्यूब पे बदनाम करके हस्बैंड को बगल में डाल के और इंस्टाग्राम पे डाल रही हैं मेरी भोली आवाम सुने गौर करें ये पागल है नफ्सियाती इलाज करवाना चाहिए आप सितारा का तो घर ख़राब करके और दुनिया में बदनाम करके हस्बैंड को बगल में लगा के आप खड़ी हैं क्या बताना चाह रही हैं हमें क्या बताना चाह रही हैं माँ जी ने सही कहा कहती हैं कि मैं जब जब गई इसके पास मैंने हाथ जोड़े कि बेटा क्या कर रही हो ये क्या हो रहा है तो मुझे कहती थी जा जा यहाँ से तफा हो जा मुझे तू रिएक्शन देने आ जाती है मतलब कि तू रिएक्ट मेरे पे क्यों करती है इस तरह के तो इसका जहनी तो खराब हो चुका है पागल हो चुकी हैं ये मोहतरमा इसलिए इस तरह की हरकतें कर रही हैं और नैना ना नैना नै सदके जावे वो कहते हैं ना बगल में छुरा और शहर में ढिंडोरा ये सितारा जी के लिए मैंने बोला है तो उनके बगल में ही पड़ा था छुरा वो बेचारी हेटरों को चुप कराती फिर रही थी इधर उधर के हेटर मुझे बोल रहे हैं यार कितना गंदा बोल रहे हैं तो बाद में याद आता है कि नहीं प्राय जो बोल रहे हैं ना वो तो नहीं चुपता ना वो रिश्तेदार है ना उन्होंने मिलना है ना जुलना है इन लोगों ने तो हर टाइम बैठना है उठना है मिलना है जुलना है बातें करनी है और नैना महतरमा ने अपनी मोहब्बत का इजहार करते हुए सलमा जी को भड़काए रखा और यहाँ पे एक ही प्लेट में खाना खा रही है बैठी है घूम रही है फिर रही है अच्छी बनी हुई है सितारा यासीन के सामने अच्छी बनी हुई है मोहतरमा और सलमा यासीन के सामने भी अच्छी बनी हुई है डबल गेम खेल गई कौन नैना और पर्दा किसने उठाया नानो ने वाह 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 क्लैपिंग होनी चाहिए नैना जी आपके लिए आपके होते हुए तो आपके हाँ हर खानदान में कत्ल हो सकता है खुदकुशी हो सकती है मां सद के जाए है? ये बातें हैं मिसाल दे रही मुझे पता है ये झूठ है ये प्रोपरगंड है क्योंकि सितारा यासीन पे शुरू से ही इल्जाम लगाते आए हैं हेटर्स और वो पीछे पड़े थे रिश्तेदार बड़े लोगों ने दिए प्रूफ बड़े लोग कहेंगे इंसाइडर की वीडियो देखिए इंसाइडर की वीडियो देखिए सारा कुछ देखा है प्री प्लान है सारा झूठ है बकवास है अगर सच भी है अगर सच भी है तो नैना वैसे तो ये बहनें आपस में लड़ती ना लड़ती आपने लड़वा क्या आपने ये जज्बात में आके कुछ कर सकती थी महतरमा दोनों जैसे कि उसका सुनने में भी, भी आया अब अल्लाह बेहतर जाने अगर सुसाइड करने की कोशिश की है तो फिर बच कैसे गई है या फिर वहाँ पे केस क्यों नहीं हुआ तो इधर भी यही कोशिश थी शुक्र है साजिद भाई घर में थे और आपको पता है जो हस्बैंड आपका आपको संभाल सकता है ना वो दुनिया की कोई ताकत नहीं संभाल सकती और बच्चे भी लेकिन हस्बैंड पा, पास होना तो फिर नुकसान होने का खतरा नहीं होता अल्लाह भला करे साजिद भाई का अल्लाह सलामत रखे उन्हें ज़िंदगी दे ये अपने बच्चों और बीवी के सर पे वो सलामत रहे वो इंसान बहुत अच्छा इंसान है हम लोग स्टार्ट में ज़रा बुरा समझते थे उन्हें तो उस इंसान ने कोई ऐसी हरकत नहीं होने दी वरना यहाँ पे भी यही कोशिश थी कि मैं दुनिया छोड़ दूँगी मेरा बचा क्या है इन्होंने बचाया क्या है तो ये मोहतरमा की तीलियाँ लगाई हुई थी ए पेट्रोल झड़क के आग लगाती रही ये मोहतरमा भड़काती रही हैं आपी मैं आपके साथ हूं आप ही मैं आपके साथ हूं गेम खेल गई बहुत बड़ी चलो जी ठीक है इन्होंने जो फिल्म बनाई है स्क्रिप्ट लिखा है चलो उस मुताबिक भी बात कर लेते हैं अगर इन्होंने ये जो स्क्रिप्ट लिखा है इस मुताबिक भी अगर ऐसा था तो जो शाहरुख और जो नैना को पता था तो मैंने तो सुना है किसी का राज छुपाना सवाब होता है अगर सलमा पूछ रही हैं आप कहें मुझे क्या पता किस तरह की आप ही आप बातें कर रही हैं आप छुपा सकती हैं आप कई जिंदगियां बचा सकती हैं नैना सेबा आपने आग में तेल डालने की कोशिश की कोशिश क्या की, डाल दिया, डाल दिया, दिया और ये कश्मीर से मोहतरमा वहां से अलग हो गई वाह 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 वा, कितना मेरे अपने साथ कई दफा हुआ है मैंने जिन जिन लड़कियों को सीढ़ी चढ़ाया जिन जिन लड़कियों को काम आई साथ दिया उन्होंने जो है आ, हमारा साथ छोड़ा रिश्तेदारों में से बात कर रही हूँ कि कोई को, किसी को कारोबार करा दिया किसी को कुछ किसी को कुछ, कुछ, कुछ इस तरह की मैं बात कर रही हूँ तो यहाँ पे भी यही हुआ आपको कौन जानता था नैना सितारा की वजह से जाने गए आप लोग लेकिन नमक हरा नहीं की यार ये सच भी था आप इनका गला तो दबा देते कमरे में बैठ के लेकिन उधर ना बताते और मैं अगर बड़ी बहन होती या मेरी बड़ी बहन होती उसने वहां से चलना था मेरे घर आना था मेरे मुंह पे दो चपेड़े रखती और मुझे गला दे, दबा देती बेशक, लेकिन लोगों के सामने नुमाइश ना करती अपनी बहन की मैं यहां पे सितारा यासीन की नुमाइश की गई है तो बहुत गंदे वाली की है <coughs> अगर ये बात थी भी सही मिसाल दे रही हूँ मुझे नहीं है यकीन मैं स्पोर्टर हूँ नौ, नौ, नौशीन ख़ान मेरा नाम है और मैं सपोर्टर हूँ सितारा की मुझे बगैर लालच के मैं उसके साथ जुड़ी हुई मुझे कोई लालच नहीं है मैंने कहा ना वो मेरे यहाँ से घर के पास आई हुई है इतना महीना रह के गई है फिर शायद ईद पर तकरीबन नहीं गई मैं मुझे भी शर्म आती है कि यार वैसे दिल तो बड़ा मेरा दिल करता है मैं उनसे मिलूँ प्यार करूँ उसे उस, उस पर मुझे बड़ा प्यार आता है लेकिन मैं नहीं गई के यार नहीं मुँह टेंशन में आया हूँ रिलैक्स करेगा मैं होती या मेरी कोई और बहन होती हमारे यहाँ हुए हैं वाकत क्यों नहीं हुए हमारे यहाँ होते हैं हर घर में होते हैं हर रिश्तेदारों में होते हैं मैं कहूँ मैं पारसा बैठी हूँ या हमारे यहाँ होता ही कुछ नहीं है होता है हर घर में होता है हर रिश्तेदारी में होता है लेकिन मैं कभी नुमाइश ना करती टीवी पे आके यूट्यूब पे आके जहाँ पे आपको पाँच सात लाख लोगों ने देखा है पागल है आप इतने घटिया काम किया पढ़ी हदीसें क्यों नहीं पढ़ा कुरान तर्जमा क्यों नहीं पढ़ा आपको क्यों नहीं है इन चीजों का इल्म? ये गुनाह कैसे छुपाया जाता है एक हदीस में है कि एक आदमी गया हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास और कहा कि मेरी बीवी कहती है क्या मैं बख्शी जाऊंगी? आप नबी पाक से पूछ आएं के आए कि वो मेरा पता करा के दें क्या मैं बख्शी जाऊंगी? मैं गुनागार हूँ तो मैं बख्शी जाऊंगी? उनके हसबैंड आए पूछा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी बेगम कहती है क्या मैं बख्शी जाऊंगी अल्लाह से पूछे उन्होंने हिलाया उन्होंने कहा कल बताऊंगा कल आके कल फिर भी आना लेकिन हाँ वो बख्शी जाएंगी जैसे वो घर गए उन्होंने बीबी, बीबी ने पूछा क्या आपने पूछा कि मैं बख्शी जाऊंगी उन्होंने कहा हाँ बख्शी जाएंगी कहती है हाँ एक बात बतानी थी आपको मेरे से जना हो गया था लेकिन मैं हैरान हूँ कि मुझे अल्लाह ने बख्श दिया है ये मेरी बात बड़ी दमदार है गौर से सुनना आप लोग मेरे से जना हो गया था और आप मुझे बख्शिश की बशारत दे रहे हैं कि मुझे मे, मेरे बारे में हसूल पाक ने कहा है कि मैं बख्शी जाऊँगी तो मेरे से तो गुनाह हो गया था तना हो गया था तो वो गए दू, दूसरे दिन और नबी पाक को कहा या रसूल अल्लाह मेरी बेगम ने कहा बड़ी खुश हो गई थी जब मैंने खुशखबरी सुनाई और कहा कि मैं बख्शी जाऊंगी तो मैंने कहा आप हाँ, बख्शी जाएंगी लेकिन उसने कहा कि मेरे से मैं तो गुनाहगार हूँ फिर भी अल्लाह पाक बख्श देगा मेरे से तो गुनाह हो गया था तना हो गया था तो नबी पाक अलैहि वसल्लम ने कहा अब नहीं बख्शी जाएगी अब नहीं बख्शी जाएगी वो इसलिए कि उसने अपने गुनाह की नुमाइश कर दी जब आप गुनाह की नुमाइश कर लेते हो ना फिर आपकी पकड़ होगी तो ये नुमाइश जो है ना सलमा यासीन उनके गुनाह की जो अगर अल्लाह ना करे ऐसा है मसला मैं नहीं मानती पहले दिन से कह रही हूँ सब सपोर्टरों ने कम्यूनिटियाँ लगाईं कि आप लोग हमें बताओ सलमा सितारा की तस्वीरें लगाईं हमें बताएं हम किसको सपोर्ट करें मैंने नहीं लगाई मैंने आप लोगों से नहीं पूछा मुझे बताएं मैं सलमा को सपोर्ट करूं या सितारा को क्यों नहीं पूछा मैंने एक ही को करना है सपोर्ट और वो है सितारा यासीन जिसने देखना है देखे जिसने नहीं देखना ना देखे मैं पहले दिन से मेरे पचास भी व्यूज आते थे ना अलहमदल्ला मैं सितारा के लिए ही बोलती थी तो रिस्क मेरे रब ने देना है मुझे किसी और ने नहीं देना और मैं ये पूरी पूरी वीडियो का निचोड़ मैंने यहां पे निकाल दिया है कि अगर किसी से गुनाह हो जाता है तो आप उसकी नुमाइश करेंगे तो जिन्होंने गुनाह किया होता है उसका गुनाह जो है जो नुमाइश करता है उस पर जाता है ये बात याद रखें ये बात याद रखें और उसके बाद इस मोहतरमा ने क्या किया सात लाख से भी ज़्यादा लोग होने वाले हैं जिन्होंने ये वीडियो देखी इतने लोग गवाह बना दिए और वो लोग जो हैं आपस में भी बातें कर रहे हैं हर फैमिली मेंबर यार दोस्त बहने तो इनको डबल कर लें आप चौदह पंद्रह लाख हो गया तो इन्होंने ये गुनाह किया है सलमा ने अगर ये वाली बात झूठी है कोई इनका आपस में रिश्ता नहीं है ये बहन भाई हैं इनमें रिश्ता अगर ऐसा नहीं है तो फिर भी पकड़ किसकी है इस मोहतरमा की सलमा यासीन की इन्होंने इल्जाम लगाया ये जहनी मरीजा हो चुकी हैं जिनको अपनी वालदा का नहीं पता कि मैंने अपनी वालदा से किस मिजाज में बात करनी है किस तरीके से बात करनी है इन्हें सिर्फ ये पता है कि मैंने सिर्फ सितारा को नीचा दिखाना है और हस्बैंड को बगल में डाल के खड़े होना है तो ये नफ्सियाती है सॉरी टू से सितारा लेकिन सितारा ने कल बड़ी रिस्पेक्टली बात की है इसलिए मैं भी अभी रिस्पेक्ट में बात करी वरना मैं बहुत शदीद गुस्से में बोलती मेरा मिजाज ऐसा है ओके इंशाल्लाह फिर मैं अगली वीडियो में आऊंगी ओके अल्लाह हाफिज मेरी प्यारी बहनें मुझे जो प्यार दे रही हैं लव यू हो गया बहुत सारा खुश रहो आबाद